Hello students, welcome to your social studies class. This is your book, Our Social Studies. And in this book, we were discussing about uh, new religions and ideas, which is given in chapter 7. We were discussing Buddhism. Okay. Buddhism me hamne. बुद्धिज्म में हमने बुद्ध भगवान जी के बारे में पढ़ा था उनकी अर्लियर लाइफ के बारे में पढ़ा था देन उनकी टीचिंग्स क्या थी द फोर नोबल ट्रुथ क्या थे द एट फोल्ड पाथ क्या थे बुद्धिस्ट लिटरेचर हमने देखा था ओके सो लेट्स रीड फर्दर लेट्स अंडरस्टैंड फर्दर ओके सो ओपन पेज नंबर फिफ्टी फोर ऑल राइट ओके इन दिस नाउ वी विल सी यूमस्ट नो देखते हैं यूमस्ट नो में हमें क्या सिखाया जा रहा है क्या बताया जा रहा है अश्वघोषा अ पोइट फिलोसफर ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी सी ई कम्पोज बुद्ध चरित्रा ओके अश्वघोषा इसे अंडरमार्क कर लेंगे दिस इज इम्पॉर्टेंट अश्वघोषा जो थे वो बुद्ध चरित्र कम्पोज करते हैं ठीक है जो कि पहली द फर्स्ट अथॉरिटिव बायोग्राफी ऑफ गौतम बुद्ध यानी गौतम बुद्ध की बायोग्राफी ये होती है बुद्ध चरित्र ठीक है ऑल राइट मूव टू कितने में डिवाइड हुआ इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी बुद्धिज्म वॉज डिवाइडेड इनटू टू सेक्ट्स हीनयाना एंड महायाना फर्स्ट सेंचुरी में फर्स्ट सेंचुरी एडी में बुद्धिज्म दो पार्ट में डिवाइड होता है हीनयाना यानी हीनयान और महायान द फॉलोअर्स ऑफ हीनयाना याना कंसीडर्ड एंड रिस्पेक्टेड बुद्धा एज अ प्रीचर ठीक है हीनयान जो थे वो बुद्ध भगवान को एज अ प्रीचर रिस्पेक्ट करते हैं यानी कि उनके द्वारा जो प्रवचन दिया गया था उनके द्वारा जो टीचिंग्स दी गई थी उसे फॉलो करते हैं द फॉलोअर्स ऑफ महायाना बुद्धिज्म कंसीडर्ड एज एंड रिस्पेक्टेड हिम एज अ गॉड और जो महायान में बटे हुए थे महायान वाले जो लोग थे वो क्या किए वो बुद्ध भगवान जी को एज अ गॉड मानने लगे और उनकी पूजा करने लगे ओके उनकी टीचिंग्स को उनके उनको एज अ प्रीचर मानने वाले थे हीनयान और महायान थे जो उनको भगवान की तरह मानने लगे थे ऑल राइट अब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन बुद्धिज्म इनकरेज पीपल टू गिव worldly प्लेजर्स एंड कंसनट्रेट ऑन अटेनिंग ट्रू नॉलेज बुद्धिज्म लोगों को इनकरेज करता था कि उनको दुनिया की एक खुशी मिले ठीक है और एक ट्रू नॉलेज का यानी ज्ञान की प्राप्ति हो वो ज्ञान की प्राप्ति कर सके ज्ञान को प्राप्त कर सके द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म स्टेड इन ग्रुप प्रेयर एंड मेडिटेटेड एंड लिव्ड टुगेदर इन अ काइंड ऑफ एसोसिएशन और असेंबली कॉल्ड द संघा अब देखते हैं जो उस टाइम पर जो बुद्ध भगवान जी को मानते थे जो फॉलोअर्स थे बुद्धिज्म के वो साथ में रहते थे ग्रुप में रहते थे ग्रुप में प्रेयर करते थे और ग्रुप में मेडिटेटेड कर, मेडिटेशन करते थे और एक असेंबली फॉर्म करते थे ठीक है यानी वो साथ में रहते थे काइंड ऑफ एसोसिएशन या असेंबली फॉर्म करते थे और उसे ही संघा कहा जाता था ठीक है दैट मीन्स संघ बोथ मैन एंड वीमेन वर अलाउड टू ज्वाइन इट और दोनों ही मैन वीमेन दोनों ही अलाउड थे उसको ज्वाइन करने के लिए ऐसा नहीं कि वीमेन के साथ में कुछ आ, मतलब इनइक्वालिटी सी हो रही हो ठीक है बोथ आर इक्वल और दोनों ही उनको दोनों को परमीशन थी मैन वीमेन दोनों को ही परमिशन थी कि वो असेंबली को यानी संघ को ज्वाइन कर सकते हैं ऑल राइट right. हाँ पर दो देर वर सेपरेट ब्रांचेस फॉर ईच उन सभी के लिए उन दोनों लोगों के लिए भले ही सेपरेट ब्रांच था लेकिन उन दोनों को ही परमीशन मिला हुआ था दे वर एक्सपेक्टेड टू लीड सिंपल लिफ्स एंड बेग फॉर देअर फूड और उनसे ये बोला जाता था ये आ, उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो एक सिंपल जीवन एक साधारण जीवन व्यतीत करेंगे और खाना भी यहाँ तक कि अपने लिए मांग के वो इकट्ठा करके और खाएंगे बुद्धिस्ट मॉन्स वर कॉल्ड भिक्षु ठीक है बुद्धिस्ट मॉन्क यानी कि जो उस टाइम के साधु थे बुद्ध भगवान जी को जो मानते थे उनके फॉलोअर्स उनके जो साधु थे उनको भिक्षु बोला गया एंड नंस वर कॉल्ड भिक्षुणी और जो नंस थी उनको भिक्षुणी बोला गया ठीक है फ्रॉम द प्रकृत वर्ड फॉर वन हु और प्रकृत में जिसका मतलब था कि ऐसा जो भिक्षा मांगता हो ऑल राइट right? अब देखते हैं मॉन्स मोनेस्ट्रीज एंड विहाराज के बारे में मोनेस्ट्रीज और विहारा क्या होते थे इन दिग्निंग बौद्ध बुद्धिस्ट एंड जैन मॉन्ग्स एंड नंस वैंड प्लेस टू प्लेस टीचिंग एंड बेगिंग फॉर फूड अब देखिए स्टार्टिंग में बुद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो दोनों में ही जो मॉन्ग्स और नंस थे यानी कि जो भिक्षु और भिक्षुणी थे वो क्या करते थे एक जगह से दूसरी जगह आ, मूव करते रहते थे लोगों को शिक्षा देते थे और उनसे बेग करते थे खाने के लिए ठीक है बट सून बिकेम ऐपरेंट पर बहुत जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि दैट मूवमेंट ड्यूरिंग द मॉनसून वॉज डिफिकल्ट ड्यू टू बैड वेदर ठीक है यह बहुत जल्द ही यह फिर समझ आने लगा कि क्योंकि बारिश के दिनों में मॉनसून टाइम में मूवमेंट जो है यानी एक एक जगह से दूसरी जगह जाना यह डिफिकल्ट हो जाता है ठीक है तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया सिचुएशन दस द संघा इवॉल्व द प्रैक्टिस ऑफ वस्सा और रिट्रीट और इस वजह से संघ फिर एक प्रैक्टिस डेवलप करता है जिसका जिसको नाम दिया जाता है वस्सा और रीट्रीट देखते हैं वस्सा या फिर रीट्रीट होता क्या है इन कीपिंग विद दिस प्रैक्टिस मॉन्ग्स एंड नन्स रिमेड इन अ फिक्स्ड लोकेशन फॉर अ सर्टेन पीरियड ठीक है और वस्सा और रीट्रीट में क्या होता था कि मॉन्ग्स एंड नन्स वो एक ही जगह पे फिक्स्ड लोकेशन पे रुकते थे दीज फिक्स्ड वस्सा और रिट्रीट्स वर हेल्ड एवरी ईयर इन टेम्प्रेरी शेल्टर्स ठीक है और ये हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता था एक टेम्परेरी शेल्टर बनाया जाता था लोगों के रहने के लिए सुविधा दी जाती थी ठीक है और वो हर साल ऑर्गेनाइज होता था वसा या फिर रिट्रीट यानी कि एक फिक्स लोकेशन पर मॉन्ग्स एंड नंस आके रुकते थे फॉर टेम्परेरी बेसिस इन इन पवेलियंस एंड पार्कस डोनेटेड टू द संघा और इन नैचुरल केव्स इन हिली एरियाज ठीक है टेम्परेरी शेल्टर या फिर उनको पार्कस वगैरह जो कि डोनेट किया गया था संघ को उसमें आके रुकते थे या फिर नेचुरल केव्स में भी यहाँ तक कि जो आ, पहाड़ों में हमें गुफाएँ देखने को मिल जाती हैं उसमें भी वो जाकर रुकते थे इसके एविडेंस भी मिले हैं ठीक है ओवर द ईयर्स मॉन्क्स एंड नन्स फेल्ट द नीड फॉर मोर परमानेंट परमानेंटल शेल्टर्स और फिर आगे चल के मॉन्क्स और नन्स को ये लगने लगा मतलब उनको एक जरूरत पड़ने क्योंकि उनका क्या उनका काम क्या था शिक्षा देना और बेगिंग करना ठीक है यही दो काम था शिक्षा देना और अपने खाने के लिए खाना इकट्ठा करना लोगों से मांगना तो उनको तो एक सिंपल लिविंग चाहिए थी इस वजह से वो फिर परमानेंट शेल्टर ढूंढने लगते हैं ठीक है उनको ज़रूरत पड़ती है परमानेंट शेल्टर की और इस वजह से मोनेस्ट्रीज एंड वहाराज वर बिल्ट ऑन लैंड और इन द केव्स और इस वजह से ही मोनेस्ट्रीज और वहाराज बनाए गए या तो लैंड पे या फिर गुफाओं में ऑल राइट right? जहां पे परमानेंटली वो लोग आकर रह सके फूड एंड अदर नेसेसरी थिंग्स वर डोनेटेड टू द संघा बाई रिच मर्चेंट्स किंग्स एंड लैंड ऑनर्स ठीक है और अदर जो उनकी नेसेसिटीज़ होंगी जैसे फूड की फूड uh, की रिक्वायरमेंट है या फिर अदर नेसेसरी चीज़ हैं वो डोनेट कर दिए जाते थे संघ को डोनेट करते थे कौन या तो अमीर मर्चेंट या तो फिर किंग या फिर लैंड ओनर्स यानी जो भी अमीर रहे होंगे जमींदार और राजा मर्चेंट्स ये लोग डोनेट करते थे संघ को और उनसे ही उनकी बेसिक नेसेसिटी पूरी होती थी मॉन्क्स एंड मॉन्ग नंस की सून दे बिगेन टू रिसाइड इन दीज विहार थ्रू आउट द ईयर और फिर बहुत जल्द ही पूरे साल तक वो लोग उसमें रहना विहाराज में या फिर मोनेस्ट्रीज में रहना शुरू कर देते हैं ओके okay? अब देखते हैं स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म कैसे स्प्रेड होता है देयर वर सम स्पेशल फीचर्स ऑफ मेड इट पॉपुलर एंड डिफरेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रिलीजन्स यहाँ पे कुछ तो डिफरेंट फीचर था बुद्धिज़्म का जो कि इसको लोगों के बीच में पॉपुलर बनाता है और बाकी रिलीजन से जो कि उस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उससे डिफरेंट करता है दीज वर क्या क्या था वो बुद्धा प्रीच्ड इन पाली द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल ठीक है बुद्ध भगवान जी पाली लैंग्वेज में प्रीच करते थे इस वजह से उस टाइम पे कॉमन पीपल का वो लैंग्वेज था पाली इस वजह से लोगों को ज़्यादा समझ में आता था hence Buddhism बिकेम मोर पॉपुलर देन द एग्जिस्टिंग religions, और इस वजह से लोगों को जब ज़्यादा समझ में आता था लोग ज़्यादा सीखते थे तो उनको लगता था अरे हाँ ये तो बहुत अच्छा धर्म है हमें शांति मिलेगी हमें ज्ञान मिलेगा ठीक है हम सत्य की राह पे चलेंगे तो इस वजह से लोग इसको ज़्यादा फॉलो करने लगे ही अटैच नो इम्पॉर्टेंस टू द वैदिक रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस और इसका किसी भी तरीके से वैदिक रिचुअल्स से यानी जो वैदिक टाइम पे रिचुअल्स होते थे पूजा पाठ होते थे या फिर सेक्रीफाइसेस होते थे बली होती थी उससे कुछ भी लेना देना नहीं था ठीक है यानी कि इस धर्म में ना ही कोई वैदिक रिचुअल था और ना ही सेक्रीफाइस जैसा कोई शब्द था ही डिड नॉट प्रीच अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड सोल वो कभी भी जो है गॉड के एग्जिस्टेंस पे यानी गॉड है नहीं है इस पर कभी भी शिक्षा नहीं दिए इसपे कभी भी प्रवचन नहीं दिए ठीक है ही डिड नॉट गेट इन डिलोसफिकल डिस्कशंस वो कभी भी फिलोसफिकल डिस्कशन में भी उनका कभी भी मतलब वो कभी लिप्त नहीं रहे बुद्ध भगवान जी की बात हो रही है ओके विच वर विच वर बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉमन पीपल जो कि कॉमन पीपल के समझ के बाहर था लोग समझ ही नहीं पाते थे ये फिलोसफिकल थियोरी uh, और ये ऑल दैट ओके नेक्स्ट क्या था वीमेन वर एडमिटेड टू द संघा एंड ब्रॉड एट पार विद मैन सबसे बड़ी क्वालिटी इसकी इस बुद्धिज्म धर्म की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या थी कि वीमेन को भी संघ में एडमिट किया गया और उसको मेन के बराबर का अधिकार दिया गया एट पार समझा गया इक्वल समझा गया ठीक है भेदभाव नहीं किया गया ओके अब देखते हैं बुद्धिज्म स्प्रेड टू तिब्बत कहाँ कहाँ स्प्रेड होता है मतलब इंडिया के अलावा और कितनी कंट्रीज़ में ये स्प्रेड होता है फैलता है जैसे कि तिब्बत में होता है चाइना सेंट्रल एशिया साउथ ईस्ट एशिया ठीक है एम्परर अशोका पॉपुलराइज बुद्धिज़्म इन इंडिया श्रीलंका एंड सेवरल वेस्ट एशियन कंट्रीज तिब्बत में हुआ चाइना में हुआ सेंट्रल एशिया में हुआ साउथ ईस्ट एशिया साउथ ईस्ट एशिया मीन्स थाईलैंड वगैरह थाईलैंड म्यांमार ऑल दीज आर कंसीडर एज साउथ ईस्ट एशिया एशियन कंट्रीज ओके तो यहाँ पर स्प्रेड होता है और एम्परर अशोका जो रहते हैं वो बुद्धिज्म को इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर करते हैं ठीक है यानी इसको स्प्रेड करते हैं इसका प्रचार प्रसार करते हैं श्रीलंका में करते हैं और वेस्ट एशियन कंट्रीज में करते हैं ठीक है कनिष्का पॉपुलराइज बुद्धिज्म इन अफ़ग़ानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया सेंट्रल एशिया और अफ़गानिस्तान में सेंट्रल एशिया मींस जो कि आज का ईरान और इराक है वहाँ पे और अफग़ानिस्तान में कनिष्का एक रूलर होते हैं एक एम्पर होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं मतलब अच्छे इन देंस कि पॉपुलर होते हैं ठीक है पावरफुल होते हैं तो वह स्प्रेड करते हैं अफ़ग़ानिस्तान और सेंट्रल एशिया में बुद्धज़म को अब देखते हैं डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म यानी क्या कारण रहा होगा जो धीरे धीरे बौद्ध धर्म क्योंकि अब हमें उतना बौद्ध धर्म देखने को मिलता नहीं है ना बहुत कम यहाँ पे पॉपुलेशन है जो कि बौद्ध धर्म को फॉलो करती है तो ऐसा क्या कारण रहा होगा जो ये धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगा ठीक है विद टाइम बुद्धिज्म लॉस्ट इट्स पॉपुलैरिटी इन इंडिया और धीरे धीरे बुद्धिज्म इंडिया में अपनी पॉपुलैरिटी कम कर हो, मतलब खो देता है एक तरीके से द टू मेन फैक्टर्स दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट वर स्प्लिट इन बुद्धिज्म पहला तो यही फैक्टर था कि धीरे धीरे बुद्धिज्म कई सेक्ट्स में डिवाइड होने लगा पहले हमने देखा हीनयान महायान फिर उसके बाद में भी वो काफी सेक्ट्स में डिवाइड होता है इस कारण से धीरे धीरे मतों का भेद हो जाता है ठीक है कोई कुछ मानता है कोई कुछ मानता है कोई भगवान जी के शिक्षा को लेकर चलता है और कोई उनको भगवान मान लेता है ठीक है तो इस कारण से आपस में ही कन्फ्लिक्ट हो जाता है लोगों के बीच में मतभेद हो जाता है जिसके कारण इसका डिक्लाइनेशन शुरू होने लगता है सेकेंड क्या था लॉस ऑफ रॉयल पेट्रोनेज यानी कि इसका प्रचार प्रसार जो था वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है अशोका को अगर देखा जाए कनिष्क को देखा जाए हर्षवर्धना को देखा जाए इनके अलावा और कोई भी ऐसा नहीं था जो इसको मतलब संरक्षण दे एक मतलब प्रसार प्रचार करे इसका ठीक है इसको संरक्षण दे Uh, बौद्धिज्म को बौद्ध धर्म को ओके सो दैट्स ऑल बुद्धिज्म के बारे में इतना ही था अब नाउ वी विल डिस्कस जैनिज्म इन द नेक्स्ट वीडियो ओके